चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर चल अचल संपत्ति के विवाद में अपने ही देवर द्वारा जिंदा जलाई गई महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में अब हत्या में तब्दील कर लिया है और इस मामले में महिला उषा देवी के देवर मनोज को नामजद किया गया है। मनोज घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी देवर मनोज को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल जनकगंज थाना क्षेत्र के नयापुरा तारागंज में उषा देवी पत्नी विनोद माहौर को अपने पैतृक मकान को लेकर देवर मनोज माहौर से विवाद चल रहा था। विवाद के कारण यह लोग पैतृक मकान में नहीं रह रहे थे और बल्कि किराए के मकान में रह रहे थे। दीपावली के ठीक एक दिन पहले उषा देवी अपने कब्जे वाले कमरे की सफाई करने के लिए पुराने मकान में गई थी और इसी दौरान उसका देवर मनोज वहां पर आ गया। दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के बाद मनोज ने पेट्रोल डालकर उषा को आग के हवाले कर दिया था। प्रकरण था विगत दिनों का, जिसमें दो भाई आपस में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, उसी में महिला को उसने आग लगा दी थी। आग लगने से उसका उपचार चल रहा था, उपचार के दौरान उसका निधन हो गया है आज। तो जिसमें हमने प्रकरण तो पहले से ही पंजीबद्ध था, आज धारा इजाफा करेंगे और पीएम अभी हमने करा दिया है।